कर्म करे सो करे न कोई, कर्म बरो बलवान, कर्म करे कंकाल पलक में, कर्म करे धनवान। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के जिंदगी से महत्वपूर्ण गुण, और एक आम पब्लिक को उनके जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा और उनके जैसा पूरे बिहार में स्वच्छ साफ सुथरा छवि का नेता आज तक नहीं देखा, और उनसे हम लोगों को जो कुछ गुण सीखना चाहिए जो आप लोगों के बीच लेके आया हूँ मेरे द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने इस गुण को लाइफ में उतारेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं फ्यूचर में। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें, या प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट नौकरी हो या फिर राजनीति ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है कर्म प्रधान। हाँ दोस्तों, उनका मानना है कि सबसे आप अच्छे कर्म करो, ईमानदारी से कर्म करो और कर्म आपको ऊपर उठाते हुए लेके चला जाएगा। और ऐसा माना गया है किसी भी फील्ड में आप करें मेहनत, अच्छा लगन से दिल लगा करके कोई भी आप काम करेंगे तो जिंदगी आपको ऊपर उठा करके ले जाएगा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिंदगी पूरे ऊपर उठा करके ले गया और बिहार के सीएम तक बनाया। उसके बाद उनके जिंदगी से आप कोई दूसरा चीज सीख सकते हैं, वह है शिक्षा ग्रहण करना, टेक एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ में यह नहीं है कि आप किस फैमिली में जन्म लेंगे, लेकिन आप अपने कड़ी मेहनत से अच्छे लगन से अगर किसी काम को अपने जज्बा से करेंगे, वह चीज आप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सीख सकते हैं कि एक बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म लेने के बाद और किसी के यहाँ बाल मजदूरी करते हुए उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हमको आगे पढ़ाई करना है और पढ़ाई को हथियार बना करके उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वह ग्रेजुएशन होने के बाद अपने फैमिली के लिए उन्होंने नौकरी भी किया टेलीफोन विभाग में। उसके बाद वहां से रेजिग्नेशन देने के बाद राजनीति में आए। तो यह उनसे आप सीख सकते हैं कि जब तक आपके हाथ में अच्छा एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, यानी आज के डेट में एजुकेशन बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, चाहे वह राजनीति हो या प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट नौकरी हो या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। तीसरा है फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट, ग्रोथ फॉर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो आप उनसे सीख सकते हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लाइफ से यह चीज आप सीख सकते हैं कि वह अपने फैमिली में, चाहे उनका छोटा भाई हो या फिर उनका बड़ी बहन हो, उन्होंने उनको काफी मदद किया उनके लाइफ में, और वह भी अपने फैमिली के लिए जहां जहां फैमिली को जरूरत हुआ उस जगह एक छाते के तरह, यानी जैसे बारिश में एक छाता अपने फैमिली को कवर करता है, उसी तरह उन्होंने पूरे एक छाता का काम किया पूरे परिवार को। अगर कोई इंसान गरीब फैमिली में पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक दूसरे को, यानी फैमिली में एक दूसरे मेंबर को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वह एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना और सभी फैमिली एकजुट होकर के ग्रोथ करना, यह चीज आप उनके लाइफ में सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट है जो आप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लाइफ से सीख सकते हैं, हर समय विकास पे ध्यान देना, अटेंशन फॉर ग्रोथ ऑल टाइम। जी हाँ।